2018 का पेपर मुश्किल पेपर माना जाता है मतलब दो हजार सोलह के बाद, में हुआ, दो साल बाद करने में या प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है आप अगर मेरे ख्याल में 2016 से भी कर लें तो बहुत इनफ है बट हम 2018 से ही कर रहे हैं उतना भी इनफ हो जाएगा मोर देन इनफ हो जाएगा जरूरत पड़ेगी कभी लास्ट में तो मैं आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस में करा दूंगी अदरवाइज 2018 के दो पेपर एक पेपर और पेपर वन पेपर टू मिला के दो पेपर और 2019 के चार पेपर क्योंकि पेपर वन पेपर टू सिलेबस बिल्कुल अलग नहीं है तो ये मत सोचेगा पेपर वन है तो सिर्फ पेपर वन वाले देखेंगे बिल्कुल लेवल सेम रहता है कोई अंतर है नहीं समझते हैं फटाफट से और कई बार तो ऐसा होता है पेपर टू के क्वेश्चन आसान आ गए सी में तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे आज की कहानी होपफुली आप सभी बेहतर होंगे हल्के से लेट आज हम हैं स्टार्ट करते हैं ये ईयर है 2018 पेपर वन है अलग अलग ईयर के ऐसे हम करते रहेंगे क्वेश्चंस थर्टी थर्टी का पूरा सेट निपटाएंगे और हो सकता है इस चक्कर में आज मेरा जिम जो है वो मिस हो जाए बट दैट्स फाइन चलिए क्योंकि टाइम लगेगा थर्टी क्वेश्चन है लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जैसे जैसे आते जाएं आपको सेशन पसंद आए हेल्प तो सौ प्रतिशत करेगा पेपर में ये वो क्वेश्चन हैं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं इनको आप मिस आउट नहीं कर सकते इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और एक कंप्लीट पीडीएफ जितने भी हमारे वो फिफ्टी फोर हुए हैं उनका भी मैं एक पीडीएफ आपके लिए क्रिएट करवा करके शेयर कर दूंगी ठीक है अब क्वेश्चन नंबर वन है आपके सामने और आपको पोल लेकर के जवाब देना है है ना क्वेश्चन नंबर का बोल लेके जवाब देना है ए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आप चूज करने की सोच रहे हैं अभी तक सी ऑप्शन सेवेंटी टू परसेंट लोग कह रहे हैं चलिए समझते हैं क्वेश्चन ने क्या पूछा है ये देख लेते हैं पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन कहता है चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ दी फॉलोइंग एक्सेप्ट ये क्वेश्चन पढ़ना मतलब 90 परसेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अगर आपने ठीक से पढ़ लिया क्वेश्चन पूछा है बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा की भूमिकाएं ग्रहण करते हैं है ना मतलब चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स लिंग की भूमिकाएं होगा ये यहां पे मिस आउट हो गया है ना, है ना लिंग भूमिकाएं जो है, जो जो जेंडर रोल्स समाज में मेल और फीमेल्स कैसे बिहेव करें कौन सी एक चीज है जिससे ये चीज ग्रहण नहीं होगी समझ रहे हो उसको कान ऐसे खड़े कर लिया करो अगर एक एक्सेप्ट लिखा हो नॉट लिखा हो लीस्ट लिखा हो ये ऐसे शब्द हैं जो आपको घुमा देंगे क्वेश्चन ईजी होगा बट ऐसे पूछेगा वो कान यहां से ना पकड़ के यहां से पकड़ेगा तो आपको ध्यान से समझना होगा उस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं यानी समाज में एज एज अ मेल मेंबर और एज अ फीमेल मेंबर कैसे बिहेव करना है भाई जेंडर क्या समाज ने दिया है ना तो कैसे कपड़े पहनने हैं कैसा हेयर स्टाइल रखना है क्या कौन सी ये सारी चीजें कौन सी एक चीज नहीं सिखाती है नॉट एक्सेप्ट सिवाय सोशलाइजेशन में तो यही होता है ना सोशलाइजेशन में ही तो हम सीखते हैं ना कि महिलाएं ऐसे बिहेव करेंगी पुरुष ऐसे बिहेव करेंगे है ना मैं अगर ये बोलू कि मैं बोलती हूं तो ये जो भाषा है ये कहीं ना कहीं सामाजिकरण और मेरी जेंडर रोल्स से आ गई है ना तो अगर हम बात करें तो ये सोशलाइजेशन बिल्कुल सोशलाइजेशन से तो जेंडर रोल्स आते हैं कल्चर से भी आते हैं अलग अलग कल्चर में आप देखते हैं महिलाएं अलग हमारी भारतीय संस्कृति में अलग कल्चर है अलग तरह से कपड़े पहने जाएंगे अलग तरह से बोला जाएगा कहीं और किसी और कंट्री में कुछ और कल्चर होगा है ना मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया में भी जो चीजें चल रही होती हैं हम उनको एक्वायर करते हैं जेंडर रूल्स वहां पर भी हेल्पफुल हैं लेकिन ट्यूटरिंग एक चीज है कि लिंग भूमिकाओं के लिए जेंडर रोल्स के लिए आप ट्यूशन पढ़ने थोड़े ना जाओगे है ना तो ट्यूशन से नहीं सिखाया जाता ट्यूटरिंग के द्वारा जेंडर रोल्स को एक्वायर करना नहीं सिखाया जाता है ये सही तरीका है भी नहीं अगर कोई देता भी हो दुनिया में कहीं ट्यूशन तो ये ट्यूटरिंग इज नॉट द राइट राइट वर्ड या वे टू एक्वायर जेंडर रोल्स लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करने का सही तरीका नहीं है क्या ट्यूशन लेना भाई ट्यूशन इंसान पढ़ने जाएगा कुछ और वहां पर ये थोड़ा ना तो ट्यूटरिंग इज द राइट वर्ड सी ऑप्शन इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे पोल लेकर के जवाब दीजिएगा पोल आपके सामने प्रस्तुत हो गया होगा मेरे ख्याल में अब तक पहले आप आंसर कीजिए इतने मैं अपनी कॉफी निपटा लेती हूँ क्वेश्चन है वन ऑफ ऑफ दी क्रिटिक्स स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट मानकीकृत परीक्षणों की, की आलोचनाओं में से एक यह है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स कौन से हैं जिनको एक बड़ी पॉपुलेशन अटेम्प्ट करती है जैसे सी टेट बीस लाख लोग बैठे हैं कोई और सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम है एस एस सी का एग्जाम क्या स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जिनमें वैलिडिटी होती है है ना स्टैंडर्डाइज टेस्ट की या हम ये कहें कि इनकी कुछ मानक होते हैं कि भाई वैलिड होगा उसके अलावा ऑब्जेक्टिविटी इनमें पाई जाएगी रिलायबिलिटी पाई जाएगी ये गुण होते हैं टेस्ट के ठीक अब ये इस तीनों क्या है है भी चर्चा करेंगे क्रिटिक्स यानी आलोचना क्रिटिक्सोचना स्टैंडर्डाइज एक हो गया टीचर मेड टेस्ट इनमें कुछ मानक होते हैं लेकिन इनके क्रिटिक भी आलोचना भी है हर चीज में कमियां हैं तो इसकी कौन सी आलोचना हो सकती है डी ऑप्शन कह रहे हैं कितने 65% लोग चलिए समझते हैं देयर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड उनकी भाषा को समझना मुश्किल है जबकि आप देखेंगे जल्दी करेंगे आयुषी जबकि आप देखेंगे कि जो लैंग्वेज है इनकी बड़ी अच्छी होती है आप कोई भी रैंडम किसी ने भी टेस्ट बना लिया वो आप किसी वेबसाइट पर जाके अटेम्प्ट करके देखो आपको लगेगा यार ये बड़ा मुश्किल सा टेस्ट है सीटेट के लिए जबकि आप सीटेट का असली पेपर देखोगे तो वो आपको इजी लगेगा या उसकी भाषा थोड़ी और अच्छी लगेगी आपको क्यों क्योंकि लैंग्वेज प्रॉपर सटीक बनाई जाती है तो ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है वो तो डिपेंड करेगा किस लेवल का एग्जाम है बी ऑप्शन है ये बात मैंने पहले शब्द में कही थी कि इसकी विशेषता ही ये है स्टैंडर्डाइज्ड यानी मानकीकृत परीक्षण की कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन एक साथ बैठ करके 10 लाख 20 लाख लोग पेपर दे सकते हैं तो ये भी गलत हो गया दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड एबिलिटी अब हमारे यहाँ तो नौकरी मिल रही है इनके बेसिस पे तो हम तो कहेंगे कि जिस एबिलिटी के लिए बनाया गया है उसके लिए वैलिड है तो ऐसा भी नहीं है कि वैलिड नहीं है डी ऑप्शन ही बचता है और यही सही उत्तर हो सकता है फिर इसको पढ़ लेते हैं दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर आर बायस्ड वे मुख्य मुख्य रूप से धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं कि जो मेन स्ट्रीम में चल रहा है कि अगर आपने ये एग्जाम क्लियर किया तो तो आप इंटेलिजेंट हैं अदरवाइज तो नहीं है जनरली तो यही माना जाता है ना तो जो मेन स्ट्रीम है मुख्य धारा की संस्कृति जो चल रही है उसी पे फोकस्ड है बाकी एस्पेक्ट देख नहीं पा रहे तो इसलिए इनको बायोस्ट कहा जा सकता है ना ये इनकी एक कमी है ये इनका प्रतीक है भाई जिसने अगर एग्जाम क्लियर नहीं किया फिर तो वो लाइफ में भी फेल हो जाएगा बट हम देखते हैं बहुत बहुत बड़े टाइकून से लेकर के और बहुत बुद्धिजीवी लोग भी कई बार फॉर्मल एजुकेशन हो सकता है उन्होंने ली भी ना हो तो हम ये नहीं कह सकते कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वही एकमात्र तरीका है तो यहाँ पे दो तीन बातें जो हमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में जाननी है डी ऑप्शन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है सिक्सटी लोगों ने है ना ये तो खैर क्लास थी देखिएगा अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट की स्टैंडर्डाइज टेस्ट दो चार बातें जान लीजिए कोई देर नहीं लगेगी ठीक अगर हम बात करें मानकीकृत परीक्षण देखो तीन गुण माने जाते हैं एक एक टेस्ट टेस्ट को आप कहेंगे कहेंगे एक अच्छा कहेंगे या मानकीकृत अच्छा उसमें तीन गुण होते हैं एक होती है वैलिडिटी यानी अगर सी टीचर्स के लिए बनाया गया है तो उसमें यूपीएससी के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए है ना तो वैलिड होना चाहिए वैध होना चाहिए टेस्ट का वैध होना जरूरी है वैधता का गुण पाया जाना चाहिए एक तो है ना कि जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वो उद्देश्य फुलफिल हो वैलिड हो टेस्ट दूसरा क्या हो सकता है दूसरा होता है रिलायबिलिटी मैं बार बार कहती हूं कि आपका वो दोस्त जो हमेशा काम जरूरत पड़ने पर काम आ जाए दैट मीन वो विश्वसनीय है यानी जितनी बार आप इसको टेस्ट करेंगे सेम रिजल्ट मिलेगा क्या है विश्वसनीय है विश्वसनीयता मिलेगी और क्या है थर्ड पॉइंट है आपका विच इज ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता ऐसा नहीं किसी एक तरफ झुका हुआ हो है ना करेक्ट क्लियर कट आंसर होगा एक ठीक वस्तुनिष्ठ तो है वो कितनी भी बार आप उसको रीचेक कराइए कुछ भी कराइए ऑब्जेक्टिविटी है।, है और ये एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं स्टैंडर्ड है। और भी बहुत सारी चीजें इसके रिगार्डिंग बट ये इतना इंपॉर्टेंट है लार्ज ग्रुप्स के लिए बनाए जाते हैं यानी बड़े समूहों के लिए बनाए जाएंगे दस लाख बीस लाख पचास लाख जितना भी मतलब बड़े समूह पे लागू होते हैं स्टैंडर्ड इसीलिए तो इनको मानकीकृत करें कि एक मानक है एक पैमाना है एक रूब्रिक्स सेट हुआ है रूब्रिक्स क्या होता है ये भी पेपर में आपको बहुत बार देखने को मिलता है कि एक एक रूब्रिक्स सेट स्टैंडर्ड है जिसके आधार पर क्वेश्चंस बनाए जाएंगे ऐसा नहीं कुछ भी क्वेश्चन डाल देंगे बीच में भाई एक सिलेबस दिया हुआ है आपको में आपको आइडिया है किस स्टैंडर्ड के किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे पांच क्वेश्चन आपके इंक्लूसिव एजुकेशन से आएंगे दस क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट से आएंगे दस क्वेश्चन आपके पैडोलॉजी से आएंगे पांच कहीं और से आएंगे ये एक सेट पैमाना है रिब्रिक्स है इतनी कहानी अभी के लिए काफी है डी ऑप्शन सही है क्योंकि मेन स्ट्रीम है यानी जो मुख्य धारा में चल रहा है उसी पर फोकस है बाकी देख नहीं पा रहे ठीक आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर रही है आप पोल में जवाब देंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर नाम के व्यक्ति एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अभी शायद इनकी डेथ हुई है शायद जीवित है नाइनटीज में ही थे अपने सेवेंटी नाइन परसेंट ए कह रहे हैं चलिए समझते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें क्योंकि ये पहला टेस्ट है तो थोड़ा समझ समझ के चलेंगे वैसे भी हमें समझ के चलना है कोई जल्दीबाजी नहीं करनी क्योंकि क्लियर होगा तब तो आप पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे एकाधिक अधिक बुद्धिमत्ता या फिर हम कहेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की पुस्तक में इन्होंने बात की थी हावर्ट गार्डनर ने दिया है जिसमें आठ प्रकार की बुद्धि की ये बात करते हैं और कहते हैं बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है बुद्धि एक सिंगल एंटिटी नहीं है तो ऑप्शन आप लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं 86 लोग इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एक व्यक्ति जो लैंग्वेज में अच्छा नहीं है वो गणित में अच्छा हो सकता है यानी लिंग्विस्टिक बुद्धि हो सकती है कोई भाषा में अच्छा होगा कोई म्यूजिक में अच्छा होगा कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा कोई साइंस में अच्छा होगा कोई लोगों को समझने में अच्छा होगा है ना तो हम कह सकते हैं कि सेवरल काइंड की हो सकती है बुद्धि पेपर पेंसिल टेस्ट हेल्पफुल नहीं है

तो यहाँ पे टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग ध्यान से पड़ेगा इसमें बहुत लोग घबराएंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है अधिगम का आकलन का आकलन कब होगा जब अधिगम हो चुका होगा फॉर लर्निंग कब होगी जब होने वाला होगा या हो रहा होगा ठीक है ना अगर हम बात करें तो 74 लोग ए कह रहे हैं देखते हैं सीखने के लिए मूल्यांकन यानी लर्निंग अभी चल रही है या होने वाली है और सीखने का मूल्यांकन इसको का कर लीजिएगा यानी लर्निंग या तो हो चुके उस समय के लिए ठीक अब आप, आप लोग कितने कह रहे हैं 69% लोग ए उत्तर दे रहे हैं समझने की कोशिश करते हैं नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली तो ये तो फॉर लर्निंग के लिए काम करेगा सिर्फ क्योंकि अभी लर्निंग होने वाली है तो आपने स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर ली बट ऑफ लर्निंग को भी ध्यान में रखना है यहां

कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई कहते हैं इसको सीबीएसई द्वारा इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन का एक तरीका एक प्रणाली लाई गई थी 2009 के आसपास और इस पे काम किया गया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अगर हम माने तो कौन सी एक बात सही नहीं होगी पहला ऑप्शन है इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है यानी सीखने और सिखाने के दौरान ही आप बच्चे का आकलन भी कर रहे हैं

सिक्स पे क्वेश्चन नंबर क्या कहता है एक बार देखिएगा और कहा सो गए थे गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू यानी प्रतिभाशाली होना गिफ्टेडनेस में भी तीन प्रकार हैं एक तो जिसका आईक्यू ज्यादा है दूसरा जो क्रिएटिव है और तीसरा जो टैलेंटेड है किसी एक विशेष क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है है ना जनरली गिफ्टेडनेस का मतलब होता है हायर आई क्यू प्लस वन प्लस आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन बुद्धि लब्धी तो अगर हम बात करें गिफ्टेडनेस बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है रिसोर्स रिच एनवायरमेंट यानी एक संसाधन समृद्ध वातावरण तो जिनका वातावरण संसाधन समृद्ध है बहुत संसाधन है उनके आसपास तो क्या सारे लोग गिफ्टेड निकल जाते हैं वो सारे लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा है ना कुछ केसेस में हो सकता है बट गिफ्टेड हो जाएंगे संसाधन से ऐसा तो नहीं है फिर है सक्सेसफुल पेरेंट्स जरूरी नहीं है सारे सक्सेसफुल पेरेंट्स के बच्चे एकदम गिफ्टेड ही निकले हो सकता है कई एवरेज या मीडियोकर भी कर सकते हैं भाई अगर आ, किसी के माता पिता हो सकता है बहुत अच्छे डॉक्टर हैं तो बच्चा भी बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा किसी के माता पिता पॉलिटिशियन बहुत अच्छे हैं तो वो भी पॉलिटिशियन अच्छा बनेगा जरूरी नहीं है ठीक आ डिसिप्लिन रूटीन सिर्फ डिसिप्लिन रूटीन से होता तो फिर तो मतलब जो इंसान 12 घंटे अपना टाइम पे जाता है टाइम पे आता है वो तो पता नहीं क्या तरक्की कर लेता या तो वो तो मतलब इसमें तो बहुत सारे फिर तो ये अजीब एग्जाम्पल हो जाएगा एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ये बिल्कुल सही बात है अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंत क्रिया है यानी हेरिडेटरी क्या गुण मिले हैं उसको जेनेटिक्स कैसा मिला है और एनवायरमेंट भी अच्छा मिलना चाहिए जैसे एक क्वेश्चन आता है ना कि स्पोर्ट्स एबिलिटी है किसी बच्ची में छोटी आपको दिख रहा है कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर लेती है बाकी बच्चों से तेज भाग रही है जो भी है तो आपने उसको ट्रेनिंग भी दिला दी तो ये क्या हुआ हेरिडेटी एंड एनवायरमेंट कॉम्बिनेशन हो गया आप बच्चा गिफ्टेड बन जाएगा है ना तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा

देना है, एक सुगम वातावरण देना है, तो ए है या आप उनके को और उनके सांस्कृतिक मूल्यों को आप महत्व देते हैं कि जिस भी संस्कृति से वो आ रहे हैं जिस भी भाषा को वो बोल रहे हैं उनको आप नकार नहीं रहे हैं कि तुम ये भाषा क्यों बोल रहे हो यहाँ तो इंग्लिश बोली जाएगी है ना और जो भी उनका बैकग्राउंड है या लिंग्विस्टिक नॉलेज है कल्चर है उसका प्रयोग कर रहे हैं ठीक सिखाने में मतलब प्रीवियस नॉलेज से नए ज्ञान को जोड़ रहे हैं कुल मिला के ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं अगर मैं देखूं ठीक है जी अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन की डिस्करेजेस द यूज ऑफ देयर लैंग्वेज सो दैट दे लर्न दिन स्ट्रीम लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि आप हतोत्साहित करेंगे कि तुम्हें अपनी भाषा का प्रयोग नहीं करना मान लीजिए किसी एक विशेष समुदाय से संप्रदाय से आ रहा है बच्चा तो आप ये नहीं कहेंगे कि बच्चे को अपनी भाषा का प्रयोग नहीं करना बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना ऐसा नहीं है कि आप बांट देंगे उनके एबिलिटी के बेसिस पे एबिलिटी ग्रुपिंग करना अच्छा नहीं माना जाता आप उनको अच्छा व्यवहार सिखाएंगे ये भी गलत है क्योंकि किसने कह दिया कि उनका व्यवहार गलत ही होगा तो उनको एक्सेप्ट करेंगे और जो उनके पास जो भी बच्चा घर से लेके आए उस पर आपको बिल्डिंग क्रिएट करनी होती है किसका इंतजार है पूल क्यों नहीं एंड कर रहे हो भाई ठीक आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द्लासरूम रेस्ट सॉन यानी कि कक्षा में रचनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप इस पर निर्भर करता है यानी इंटरवेंशन होनी चाहिए टीचर को भी ध्यान देना चाहिए सिस्टम को भी ध्यान देना चाहिए यदि कोई बच्चा क्रिएटिव है टैलेंटेड है किसी एक फील्ड में मान लीजिए म्यूजिक में या फिर स्पोर्ट्स में अच्छा है क्रिएटिव है मतलब कुछ अलग कुछ नया करता है तो ऐसे बच्चों के लिए आपको और थोड़ा सा ध्यान देना है तो क्या वो ध्यान देना है ऑप्शन चूज करिए फटाफट से पहला ऑप्शन है गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम उन्हें अतिरिक्त समय देंगे स्लो थोड़ी सीख रहे हैं कि अतिरिक्त समय किसको दिया जाता है जो स्लो लर्नर हो जो धीमे सीख रहा हो है ना बींग

डी ऑप्शन क्या है यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स बाय द टीचर यानी शिक्षक द्वारा अनुकूलित और उत्तेजक शिक्षण विधियों का उपयोग करना यानी जो उस बच्चे के लिए और इंटरेस्टिंग बना सके सीखने को 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 उन मेथड्स का प्रयोग करना चाहे वो उसकी क्रिएटिविटी करें करें या उसके टैलेंट बेसिकली एनरिच्ड करिकुलम का प्रयोग किया जाता है गिफ्टेड बच्चों के लिए है ना कई लोगों को लग रहा होगा अभी ये पता नहीं कौन सी कौन सी बातें कर रही हूं मैं ये जब वर्ड आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ना और इस बार ये चीजें हुई है एनरिच्ड करिकुलम एनरिच्ड करिकुलम का एनरेज करिकुलम दिक्कत हो रही है क्या कोई बात नहीं तो चला जाए अगर दिक्कत सॉरी <coughs> तबियत थोड़ी ढीली है उसको कफ है बहुत ज्यादा एनरेज करिकुलम यानी समृद्ध पाठ्यचर्या यानी ऐसी पाठ्यचर्या जिसमें एक्स्ट्रा चीजें हो जो बच्चे को स्टिमुलेट करे उसको आगे बढ़ावा दे किसके लिए होती है ये गिफ्टेड बच्चों के लिए प्रतिभाशाली चाहे वो दिमाग से गिफ्टेड है चाहे उसमें टैलेंट है चाहे वो क्रिएटिव है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए करिकुलम का, का प्रयोग किया जाता है सुंदर है है अच्छा लगता है, है। इंटरवेंशन आपको किससे करनी है अच्छे मेथड्स का प्रयोग करना है ताकि बच्चे का पोटेंशियल भाई हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो है तो आपको वो निखार करके लाना है ऊपर है ना आपका जो है वो आयुषी लास्ट में करेंगे डिस्कस निखार के लाना है उस पोटेंशियल को क्वेश्चन नंबर नाइन देखिएगा एक बार अगर हम बात करते हैं विच वन ऑफ द इज नॉट अबल वे नॉट अबल वे यानी एक सही तरीका हाँ हाँ हा, सही तरीका नहीं है है ना कौन सा क्वेश्चन गलत है क्यों दुखी हो रहे हो फाइव क्वेश्चन ही गलत है साक्षी भी लास्ट में एक बार देख लेंगे उसको डोंट वरी है ना देखो एक बार अगर हम बात करते हैं अगर ऐसा कभी भी होता भी मान लो टाइपिंग मिस्टेक है कुछ और गड़बड़ है

नेटिव वे तो अच्छी बात होती है ना एक तरीके से नहीं सीख पा रहे दूसरा तरीका बताओ दूसरे से नहीं तीसरा से बताओ फिजिकल एक्टिविटी आप कराएं ताकि थोड़ी सी उनकी अटेंशन बेहतर हो यह बात भी सही है रेप्रीमेंडिंग गलत है और हमें गलत ही चाहिए क्योंकि नॉट पूछा है कि कौन सा तरीका सूटेबल नहीं है आप तो बढ़िया स्मार्ट हो रहे हैं यार आप लोग कर लेते हैं बेचैन होने पे भाई पर भाई हाइपर एक्टिविटी उनके नेचर में है, है ना बेचैनी उनके नेचर में है एक तरह से अगर देखें तो आप उसके लिए उनको फटकार नहीं लगा सकते कि भाई तुम हाइपर एक्टिव क्यों हो है ना शोभित कह रहे हैं देख रहे विनोद कैसे सर घुमाने वाले क्वेश्चन है हाँ लेकिन आप अगर इनको थोड़ा सा फोकस करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगे अगर हम बात करें तो रेप्रीमेंडिंग ऐसा नहीं कि आप बेचैन होने पर बच्चों को फटकार लगाए ठीक है ब्रेकिंग टास्क अप टास्क स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट अब आपको ना दो तीन चीजें सीखनी है यहाँ पे जल्दीबाजी में सिर्फ आंसर नहीं करना आपको यहाँ पे तीन चीजें और सीखने को मिली अगर आपने पढ़ा हो तो कि एडीएचडी वाला बच्चा है यदि कोई हाइपर एक्टिव बच्चा है तो एक तो उसको अलग अलग तरीकों से सिखाना है है ना एक चीज आपको जानने को मिली कि कैसे नहीं डील करना है बच्चे के साथ तो वो तरीका है बच्चे को फटकार नहीं लगानी है लेकिन कैसे डील करना है एडीएसडी वाले बच्चे के साथ या हाइपर एक्टिव बच्चे के साथ तो वो तरीका है तो एक तो ऑल्टरनेटिव वेज अगर एक तरीका काम ना करे दूसरा दूसरा नहीं तो तीसरा दूसरा है उनके रूटीन में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करनी है उससे क्या होगा रेस्टलेसनेस कम होगी उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होगी थोड़ा कंट्रोल में आएंगे ठीक माइंड शांत होगा तीसरा है जो बड़ा टास्क है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दो क्योंकि वो एक बड़े टास्क पे तीन घंटे एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन तीस मिनट पढ़ लेंगे तो ये तीनों तरीके हैं एडीएसडी वाले बच्चे के साथ डील करने के ये आपने सीखा है इस क्वेश्चन से अगर आप सिर्फ आंसर हटके चले जाएंगे या सिर्फ आंसर मार्क कर देंगे तो उससे लर्निंग उतनी नहीं हो पाएगी क्योंकि पेपर में ऐसा तो है ना यही क्वेश्चन बिल्कुल आपको चेप देना है अगली बार तो आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर है टेन पैटर्न ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर यानी भिन्न सोच वाले अब सारी सोच का जो पैटर्न है कुछ बच्चे आपको समझ में आ जाएगा आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं वो कुछ डिफरेंट आंसर लेके आते हैं उनका अप्रोच उनका पर्सपेक्टिव कुछ डिफरेंट होता है तो उस केस में आपने देखा ये पैटर्न है बच्चे का कि वो डायवर्जेंट थिंकिंग करता है है ना डायवर्जेंट कर सकते हो शुभम बट आई वुड सजेस्ट कि आप एस ही लें फॉर्म में पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन अब सारी सोच दिशाओं में सोचना डिफरेंट डिफरेंट वेज में सोचना एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन सोचना नहीं ये क्रिएटिविटी का उदाहरण है जहां पे भी डाइवर्जेंट थिंकिंग दिखे आप समझ जाइएगा क्रिएटिविटी की बात हो रही है रचनात्मकता की बात हो रही है क्योंकि जब आप दिशाओं में सोचते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं मल्टीपल सॉल्यूशन सोचते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग को किससे जोड़ा है ये सिंपल दो चीजें हैं एक मिनट में आपका लेना चाहूंगी थोड़े से स्लो हम चल रहे हैं बट समझिएगा एक है डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसको हम अपसारी चिंतन कहते हैं दूसरा है कन्वर्जेंट थिंकिंग दोनों को दिया है जेपी गिलफर्ड ने जॉय पॉल गिलफर्ड गिलफर्ड जेपी इन्होंने इंटेलिजेंस का मॉडल भी दिया है जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि की संरचना कहते हैं जिसमें थ्री इंटेलिजेंस है ठीक सीपीओ से आपको याद भी कराया था डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट तो इन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग को जोड़ा है किससे रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी से ठीक कुछ नया करने से

बहुत ही बढ़िया देखिएगा एक बार अगर हम बात करते हैं सी ऑप्शन है 46 परसेंट लोग दे रहे हैं चलिए समझते हैं ये जो एक्स्ट्रा बातें आप करते हैं क्लासेस में कोशिश कीजिए फोकस कीजिए क्लास पे अभी के लिए एटलीस्ट ठीक है ना कोई कह रहा है किसी का दिमाग खराब है कोई कुछ कर रहा है आपस में खेलते रहते हो वेज इन विच आर टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम यानी निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता यानी yani कौन सा एक तरीका समस्या समाधान का नहीं होगा तो सी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग चलिए देखते हैं बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग समथिंग अगर आपसे गलतियां हो रही हैं कुछ सॉल्व करने में तो ऑनेस्ट रहिए उसके प्रति ठीक है प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा नहीं आएगी इससे यूज वोकैबलरी लाइक थिंक आइडियाज ट्रायल एंड डिफरेंट आंसर बिल्कुल सही बात है जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एनकरेज कर रहे हैं प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चों को तो आप कहेंगे भाई डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज सोचो डिफरेंट आंसर्स के साथ आओ आस क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट थिंकिंग ये बात सही है कि ये गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है है ना अभी हमने दो मिनट पहले डिस्कस किया था कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी के लिए नहीं होती प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं होती कन्वर्जेंट थिंकिंग से आप ये सिकुड़ने वाली सोच है कि चार ऑप्शन में से एक चूज करना है डायवर्जेंट थिंकिंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी दिशाओं में सोचने से डिस्कस योर थॉट प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम अभी सरण उत्तर वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ट्रू फॉल्स पूछ लो प्रॉब्लम कहां से सॉल्व होगी अगर ट्रू फॉल्स पूछोगे तो ठीक है तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो दिशाओं में सोचना पड़ेगा ना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पोल में जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर पहचानने कह देते हैं इमोशंस की अगर हम बात करें तो कौन सा एक इमोशन इन चार ऑप्शन में से है फिफ्टी फोर परसेंट लोग क्या उत्तर दे रहे हैं सी अच्छा थैंक गॉड सिक्सटी फाइव परसेंट लोग ए पे आ चुके हैं मेरे आंसू आ गए थे अभी ये देख करके है ना फियर क्या है एक इमोशन है भय जिसको हम कह रहे हैं डर जिसको हम कह रहे हैं ठीक है फियर एंगर और लव फॉल से याद रख सकते हैं फियर एंगर और लव यानी भय ये जन्मजात इमोशंस हैं हमारे अंदर ऐसा जेबी वॉटसन कहते हैं कौन कहते हैं जॉन ब्रॉडस वॉटसन कि भय एंगर यानी क्रोध और लव यानी प्रेम ये हमारे अंदर जन्मजात होते हैं ठीक है ये जेबी वॉटसन कह रहे हैं कि बाय बर्थ हैं ये तीन इमोशंस ठीक तो फियर इज दी राइट आंसर अटेंशन तो आपका एक कॉग्नेटिव फंक्शन है आपके दिमाग का एक फंक्शन है कि आप कहीं ध्यान दे पा रहे हैं इमोशन थोड़ी अटेंशन स्टिमुलस कोई एक ऐसी चीज आपके एनवायरमेंट में जैसे मैंने ये पता नहीं इतनी खराब ताली मैंने आज तक नहीं बजाई मान लीजिए ताली बजाई तो इसकी जो आवाज है वो स्ट्यमुलेट कर रही है ठीक है आप मूवी देखने गए पॉपकॉर्न की खुशबू आ रही है वो आपको स्ट्यमुलेट कर रही है वो स्टिमुलस है कि आपके मुंह से ला रहा आपका मन करेगा रिस्पॉन्ड करने का आप पॉपकॉर्न खा ले जाकर के गोलगप्पे की खुशबू स्टिमुलस है ठीक तो ये कॉग्नेटिव फंक्शन इमोशन थोड़े ही है मेमरी स्मृति ये भी कॉग्नेटिव फंक्शन है यानी दिमाग से जुड़ी हुई चीजें हैं क्लियर है, है बात तो आंसर क्या है इसका फियर सॉरी oh, हाँ फियर ये क्वेश्चन नंबर देखिए एक तीन साल का बच्चा है जवाब देंगे आप लोग पोल में हाँ टी शर्ट लेना लेट्स सुन चलो कुछ करते हैं यार इस पर ना ये काफी बार होता है नहीं तो मेरे को पहननी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि आप लोग इतनी बार क्वेश्चन पूछते हैं ये देखो हमारे भ्राता श्री कह रहे हैं कि अमेजोन पे डाल दो जैसे हम तो खाली हैं है? इसके लिए किसी वेंडर से बात करनी होगी तो पूरा एक प्रोसेस होता है हर चीज का ठीक है भाई तू संभाल ले वाला काम पढ़ाई लिखाई छोड़ दे आठवीं पास बढ़िया रहेगा सेवंथ पास ओके हाँ अभी तो आठवीं पास भी नहीं हुई <laughs> देखो एक बार क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखो थ्री ईयर ओल्ड चाइल्ड एक्सप्लियंस दैट मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन एट द मिल्क बूथ एक तीन साल का बच्चा है है ना ये हमारी आपस की बातचीत है इस पर कोई भी ऐसे सवाल नहीं उठाएगा देखो मजाक वहां तक तक ठीक है जहां सामने वाले को बुरा ना लगे अगर किसी को बुरा लगे तो वो मजाक नहीं है ठीक एक तीन साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा उत्पादित होता है यानी मान लीजिए बच्चा गया मदर डेरी किसी बूथ पे या किसी दुकान पे और वहां से वो अपने माँ बाप के साथ जाता है और डेली देखता है माँ बाप जो दूध लाते हैं वो पैकेट में वहीं से आता है या आजकल तो ऑनलाइन ऑर्डर होने लग गया है तो आप वहीं से मंगाते हैं तो बच्चे को जब उसने रोज देखा कि दूध तो बूथ से आता है या शॉप से आता है तो उसने मान लिया ये कि बच्चा ये मान लेता है कि मिल्क बूथ पे ही दूध बनता है उसको नहीं पता गाय का कोई कॉन्सेप्ट होता है ठीक है या हो सकता है पता हो बट उसने नहीं देखा गाय से दूध निकालते हुए फॉलोइ ऑफर्स दी बेस्ट एक्सप्लेनेशन बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन का जवाब दूध बूध से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे का जो भी अनुभव रहा है उसके आधार पर उसने कह दिया कि भाई यहां से आता है बात खत्म हो गई ठीक है अगर हम बात करें द चाइल्ड है अब ये पता नहीं है हमें हो सकता है देखा हो उसे ना पता हो क्या सीने दूध हम तक कैसे पहुंचता है द चाइल्ड फैमिली डज नॉट ऑफर एस्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट ये भी नहीं कह सकते कि एनवायरमेंट अच्छा नहीं दिया अब सब कुछ थोड़ा ना सिखा सकते हो आप जो भी आसपास चीजें वही देखेगा है ना सब कुछ तो किसी ने भी नहीं देखा तो फिर हम कहते हैं कि एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिला फिर हम आते हैं द चाइल्ड हैज वेरी लिमिटेड एक्सपोजर ये भी नहीं कह सकते हम बच्चे में कमियां नहीं निकालते बच्चे का जो भी अनुभव था उसी के आधार पे उसने जवाब दिया उसका अनुभव मिल्क बूथ से ही लाने का था दूध आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन नंबर कहता है, यानी एक शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन, टीचर का रोल सबसे अच्छा बताइए। पे किया जाएगा फटाफट से बताइए अगर हम बात करें सबसे अच्छा वर्णन टीचर के रोल का कि टीचर का रोल क्या होना चाहिए एट्टी वन परसेंट फोर्टी थ्री परसेंट लोग सिर्फ पाठ्यपुस्तक से ही पढ़ाए ये तो बिल्कुल बकवास बात हो गई। इवन एनसीएफ uh, कह रहा है कि आप बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाइए किताब के बाहर जाइए रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स लाइए दुनिया दिखाइए बच्चे को कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम लिविंग एनअ टाइम फॉर रिविजन इज इंपॉर्टेंट ये भी एकदम बेकार बात है कि आपने सिलेबस मान लो टाइम पे खत्म कर दिया बच्चे के दिमाग में कुछ गया नहीं और अट्टी लगा के रिविजन कर ले बस वो तो ये अच्छा टीचर माना जाएगा क्रिएटिंग अ रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी देखो ये बहुत जरूरी है वैसे भी भारतीय संस्कृति डायलॉग को प्रमोट करती है कि भाई वाद विवाद संवाद होना चाहिए डायलॉग का मौका मिले बच्चा अपनी बात को कह पाए क्लासरूम में इंक्वायरी कर पाए क्वेश्चन पूछ पाए एक्टिव हो पाए उसकी थिंकिंग स्टिमुलेट हो तो आराम के लिए जगह नहीं होगा एक्जैक्टली exactly इसका मतलब होगा रिलेक्सड स्पेस जहां पे वो कंफर्टेबल महसूस करे जितना वो घर पे कंफर्टेबल महसूस करता है उतना वो स्कूल में भी करे ये एनसीएफ कहता है डी है टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज टू मेंटेन डिसिप्लिन देखो डिसिप्लिन शुड कम फ्रॉम विद इन ऐसे प्यार की तरह है ना करना नहीं पड़ता हो जाता है तो वो वाला सीन है डिसिप्लिन का कि अगर आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं तो डिसिप्लिन आ जाएगा अपने आप सब शांति से बैठ के समझेंगे चीजें मतलब सेल्फ डिसिप्लिन को हमें प्रमोट करना है एकदम से भी नहीं होगी ये चीज ठीक तो सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ डिसिप्लिन मतलब आपने डंडे के दम पे सबको चुप करा दिया लेकिन सीख कोई नहीं रहा तो ऐसे डिसिप्लिन का क्या फायदा हुआ तो सी ऑप्शन है बेस्ट कि आपने ऐसा एनवायरमेंट

ए ऑप्शन है क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स एंड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर इन ओपन शेल्फ्स एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ द डे यानी रिच लर्निंग या एक अच्छा समृद्ध वातावरण उसको कहेंगे जहां कक्षा जिसमें खुली गतिविधियों के लिए शेल्स बनी हुई हो बाल साहित्य के लिए पुस्तकें हो हा यहाँ पे बच्चा एक्टिव होगा जहां पे बच्चा एक्टिव होता है वो अच्छा ऑप्शन माना जाता है फिर देखते हैं बी ऑप्शन आ क्लासरूम विद नीटली ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल इन कप मतलब कबर्ड्स में अगर हम कहें कि अच्छे से साफ सुथरी अलमारी में किताबें रखी हुई हैं अब उन्हें कोई टच भी नहीं करता तो क्या फायदा हुआ भाई ऐसे सुंदर से हवाई जहाज का क्या फायदा जो उड़ ही नहीं सकता तो वो किताबें बस रखी हुई हैं और उनको टच कोई नहीं कर रहा तो ये कोई अच्छा इन्वायरमेंट थोड़ी माना जाएगा अ क्लासरूम विद स्ट्रक्चर्ड एंड प्लांट लर्निंग ड्रिवन बाय टेक्स बुक कॉन्टेंट यानी एक क्लासरूम ऐसा जहां पे लर्निंग जो है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक सेंटर्ड हो तो अभी तो समझाता सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बाहर के जीवन से जोड़ना है फिर आता है डी ऑप्शन अ क्लासरूम विद अ वैरायटी ऑफ मटेरियल डिस्प्लेड इन द क्लास बियॉन्ड द रीच ऑफ चिल्ड्रन सो दैट द मटेरियल लास्ट लॉन्गर देखो ऐसा नहीं है बियॉन्ड द रीच ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चे की पहुंच से दूर है सरकार कह रही है एक काम करो फुटबॉल ले जाओ एक काम करो बास्केटबॉल ले जाओ ये ले जाओ ये वाला ग्लोब ले जाओ टीचिंग लर्निंग मटीरियल ले, ले लो सारे और सब सजा के रख दिए बच्चों की पहुंच से दूर है सारे तो किसके लिए भाई वो प्रदर्शनी के लिए थोड़ी नुमाइश थोड़ी लगानी है स्कूल में एग्जीबिशन के लिए थोड़ी है बच्चे की पहुंच से दूर है जो मटेरियल वो वैसे भी काम का तो है नहीं

हमने ये तो समझ लिया कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक यानी सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना बच्चे को लेकिन फिर बनाना क्या है उनकी भी तो भूमिका होगी कुछ पुस्तकों की वो पूछा है हमसे तो चार ऑप्शन है यहाँ पे और पहला ऑप्शन है दे मेंटेन होमोजेनिटी इन लर्निंग अक्रॉस स्टेट और द नेशन यानी वे एक राष्ट्र या राज्य में अधिगम एक रूपता बनाए रखते हैं एक जैसा सब जगह पे करिकुलम हो जाता है चलिए देखते हैं

टेक्स बुक्स आर वन ऑफ द रिसोर्सेस मतलब क्या हुआ देर आर मेनी रिसोर्सेज इन द क्लासरूम कई सारे संसाधन हो सकते हैं कई सारे संसाधन का मतलब ये नहीं की सब जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं अच्छी एक्टिविटी है. भाई आप रियल लाइफ से एक्टिविटी करा करके अपने एग्जाम्पल दे सकते हो तो किताबें बहुत सारे रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स हो सकती है है ना दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटीरियल अवेलेबल इन द क्लासरूम वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक चीज है ऐसा नहीं है सब कुछ नहीं है बुक्स सर्वो सर्वा नहीं है ऑल माइटी नहीं है वो वो क्या है एक रिसोर्स है बहुत सारे में से मतलब बुरी बात नहीं है किताबें लेकिन सिर्फ किताबों ही आपको बच्चे को नहीं पूरी तरह से डाल देना है कि सिर्फ हाई किताबी ज्ञान किताबी ज्ञान आपको जीवन से जोड़ना है ये एनसीएफ भी कहता है तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऐसा नहीं है कि जो किताबें हैं वही सब कुछ है यहां पे एनसीएफ भी यही कहेगा अब एनसीएफ का क्वेश्चन है नेक्स्ट एनसीएफ <clears throat> एक एक सेट निपटाएंगे आपकी समझ बेहतर होगी इससे ठीक है द नेशनल करिकुलेराइव इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूप की जो रूपरेखा है दो हजार पांच जो की फोर्थ एनसीएफ है भाई अगर हम बात करें उन्नीस सौ पचहत्तर में एक एनसीएफ आया 1988 यानी 1988 में आया ईयर 2000 में आया और 2005 वाला है जो अभी तक एक्टिव है है हालांकि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि नया एनसीएफ बनाइए बट उसको बनते बनते 2025 और लागू होते होते 30 हो जाएगा तो अभी तो हम 2005 पे ही अटके हुए हैं तो ये जो बेस्ड है वो है रचनावाद पे और रचनावाद वही रचनावाद है जिसकी बात प्याजे कर रहे हैं जिसकी बात वाइगॉफकी कर रहे हैं ये एक स्कूल ऑफ थॉट है एक फ्रेमवर्क है एक साइकोलॉजी का स्कूल है एक तरह से हम ये कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद जहां पे टीचर क्या होता है फैसिलिटेटर होता है यह भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है टीचर क्या सुविधा सुविधादाता है ठीक है बच्चों को फ्रीडम दी जा रही है और जहां जरूरत पड़ेगी वहां टीचर अवेलेबल है, टीचर फैसिलिटेटर है, नहीं है तो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आप एक्टिविटी करने का मौका दोगे माहौल तैयार करोगे तो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर लेगा रचना कर लेगा नॉलेज की इसलिए रचनावाद बेवरेस्ट क्या कहते हैं ये कहते हैं बस स्टलस रिस्पॉन्स डंडा और रिवॉर्ड इन्हीं सब फोकस है इनका कॉग्निटिव थियरी सिर्फ दिमाग पे फोकस करेंगे

अगर हम बात करें कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि यानी आप कब मानेंगे कि बच्चा जो क्लासरूम के बच्चे हैं वो मोटिवेटेड हैं कि आप लोग अभी साढ़े आठ हजार लोग जुड़े हुए हैं अगर तो आप मोटिवेटेड हैं मैं कैसे मानूं आपके से पता चलेगा ना दे मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास मैंने पहले भी बताया था डिसिप्लिन तो डंडे के दम पर भी कराया जा सकता है कि कोई एक शब्द नहीं बोलेगा सीधा ब्लॉक कर देंगे है ना और सामने हो बच्चा तो फिर तो बिल्कुल नहीं बोलेगा तो डिसिप्लिन अंदर से आना चाहिए जस्ट लाइक लव है ना ऑल आर रेगुलर इन अटेंडेंस यानी सभी उपस्थिति भाई अटेंडेंस के डर से आप बुला लोगे कि नहीं तो फेल कर देंगे पिछहत्तर चाहिए जरूरी मजा आ रहा है मोटिवेटेड है वो बच्चा तभी आया है माँ बाप ने पीट के भेज दिया होगा सुबह दे आस्क सीकिंग फ्रॉम द टीचर जब बच्चे स्पष्टीकरण के लिए क्वेश्चन पूछे जैसे आप भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चा मोटिवेटेड है क्यों क्योंकि वो पूछ रहा है सत्य ठीक है सत्य प्रकाश जब बच्चे क्वेश्चन पूछे दैट मीनस वो मोटिवेटेड है क्वेश्चंस पूछने के लिए तो आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते ना क्वेश्चंस तो अंदर से जब वो क्यूरियस होंगे जिज्ञासु होंगे तभी पूछेंगे ठीक दे कम टू स्कूल नीटली इन यूनिफॉर्म ये तो आपके डर से भी आ सकते हैं डंडे के, के भैया नीट आना है एकदम तो जब बच्चे क्वेश्चन पूछे मतलब बच्चे एक्टिव हो अगर क्लासरूम में जहां बच्चा एक्टिव है नाइन्टी वही क्वेश्चन सही है तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखेंगे एक बार फिर आगे बढ़ेंगे च वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल टू इंप्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग बच्चों के अधिगम को उनकी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो है वो कौन सा है बताइएगा एक बार फटाफट से देखिएगा टीचर शुड एक्सप्लेन द कॉन्टेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड इलेस्ट्रेशन यानी शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए ठीक लग रही है बात तो कि डिफरेंट एग्जाम्पल यूज करे टीचर और इलस्ट्रेशन चित्र वित्र बना दे अच्छे से कोई बुरी बात नहीं है

है ना? तो वहां पे के सारे लर्निंग मटेरियल हो ये जरूरी नहीं है कि हर एक सामग्री अवेलेबल हो टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन मुझे बहुत खुशी है कि सेवेंटी लोग सही उत्तर दे रहे हैं कि रियल लाइफ सिचुएशन पे बच्चे सबसे ज्यादा एक्टिव जिस ऑप्शन में है वो बेस्ट ऑप्शन है है ना अगर हम देखें इसमें कोई बुराई नहीं थी ये अच्छा था कि भैया एग्जाम्पल से और इलस्ट्रेशन से चित्र वित्र बनाकर के और एग्जाम्पल देकर के टीचर एक्सप्लेन करें लेकिन इससे ज्यादा एक्टिव बच्चा यहां है और ये बिल्कुल की कॉन्सेप्ट है गांठ बांध लीजिए रियल लाइफ वास्तविक जीवन के बारे में तो जीवंत महसूस करेगा ज्यादा लाइवली महसूस करेगा बजाय उसको एग्जाम्पल देख चित्र बना दो सिर्फ ठीक तो है तो सी ऑप्शन मच बेटर है ए से तो इसलिए ए तो हट गया डी ऑप्शन है रेगुलर असेसमेंट टेस्ट शुड बी कंडक्टेड अब सिर्फ टेस्ट लेते रहेंगे तो कहां से लर्निंग में इंटरेस्ट बनेगा चलिए खैर आगे बढ़ते हैं अब हम चलेंगे क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अनुशासन जो अधिकम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यानी ऐसा डिसिप्लिन जो इंपॉर्टेंट है लर्निंग में किस तरह की मदद होगी इस चीज से फटाफट से बताइएगा काजल तो कह रही है आपका पेट कोर्स लेना करियर वाले ऐप डाउनलोड कर लीजिए और टीचिंग सेक्शन में चले जाइए और वहां एनरोल कर लीजिए जो भी बैच ओपन हो देखिए अगर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट रोल डिसिप्लिन का सिग्निफिकेंट रोल बताइए कि लर्निंग एनवायरमेंट में इससे साइलेंस होता है चुप्पी साधने के लिए बच्च, आप हिटलर हैं कि सबको शांत करा देंगे क्लासरूम में जाएंगे तो भाई क्लास में तो थोड़ी चहल पहल होनी चाहिए कंस्ट्रक्टिविज्म तो कहता है रचनावाद कि बच्चे एक्टिव होने चाहिए थोड़ी बहुत चहल पहल है थोड़ा बहुत शोर है तो क्या दिक्कत है मतलब बच्चे एक्टिव है टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शन यदि सिर्फ शिक्षक निर्देश देंगे तो बच्चे एक्टिव नहीं है इस ऑप्शन में रटने पे फोकस कराना है तो ये तो दुश्मन है बच्चे की सीखने का डी ऑप्शन एकमात्र उत्तर बचता है चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग अभी मैंने यही बात कही थी सेल्फ डिसिप्लिन की बात होनी चाहिए ना कि बाहर से इंपोज नहीं होना चाहिए डिसिप्लिन डिसिप्लिन अंदर से बाहर की ओर आना चाहिए कि चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग बच्चे अपनी ही लर्निंग को रेगुलेट करें मैं कितना सीख रहा हूं कैसे सीख रहा हूं कैसे बेहतर हो सकता हूं और मॉनिटर करें कि मुझे कितना आता है खुद से मॉक टेस्ट दे रहे हैं खुद से इंटरेस्ट ले रहे हैं खुद से किसी दोस्त से टॉपिक सीख रहे हैं तो वो जब खुद से अपनी को और करेंगे, तो हो जाएगा। वो सबसे बढ़िया है जो अंदर से आए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखिएगा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की तो आप पहले तो क्या करेंगे पोल में जवाब देंगे बढ़कर के विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कौन सा एक स्टेटमेंट या कथन सही है अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आना ही है भाई डेवलपमेंट से चार क्वेश्चन आते हैं एक आएगा डेवलपमेंट क्या है दूसरा आएगा प्रिंसिपल यानी सिद्धांत कौन सा होता है विकास का तीसरा आएगा हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का क्या रोल है चौथा एक और आ जाएगा इसी के अराउंड कोई और ये चार क्वेश्चन एटलीस्ट डेवलपमेंट के चैप्टर से आते हैं ठीक तो अगर हम बात करें हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के बारे में कौन सी एक बात सही है आप लोग कह रहे हैं कितने 82 परसेंट लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं चलो इतने लोग कह रहे हैं मान लेते हैं भले पढ़ेंगे तो सही फिर भी आ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्मेंस कंप्लीटली डिसाइडेड बाय दी जीन्स ऐसा नहीं है सिर्फ जीन्स इंपॉर्टेंट है दोनों इंपॉर्टेंट है सिर्फ न्यूट्रिशन यानी सिर्फ एनवायरमेंट अगर किसी को पहले से कोई बीमारी हो तो सिर्फ न्यूट्रिशन देने से सही हो जाएगा नहीं एनवायरमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट ऐसा नहीं है एनवायरमेंट उसके संज्ञान सभी प्रकार के विकास में इवन फिजिकल डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट विकास के कुछ कुछ पक्ष ज्यादा निर्धारित होते हैं या प्रभावित होते हैं हेरिडिटी से जैसे आपकी बुद्धि जो है वो आपकी हेरिडिटी आपके जीन से ज्यादा प्रभावित है बुद्धि आईक्यू में ज्यादा अंतर आप बाद में नहीं ला सकते एंड अदर्स मोर बाय एनवायरमेंट और कुछ पहलू हैं आपके विकास के जो वातावरण से ज्यादा प्रभावित होंगे कि आपको एजुकेशन किस क्वालिटी की मिली है आपको न्यूट्रिशन किस क्वालिटी का मिला है आपको ट्रेनिंग किस क्वालिटी की मिली है ये एनवायरमेंट निर्धारित करेगा तो कुछ चीजों में एनवायरमेंट का ज्यादा रोल होता है कुछ में हेरिडिटी का ज्यादा रोल होता है आपके

है ना कि जो चरण है उनमें उसका डेवलपमेंट होगा क्वालिटी वाइज भी बिल्कुल सही है तो बी ऑप्शन इज दी रॉन्ग आंसर इसीलिए सही है क्योंकि कैन नॉट बी पूछा है हमसे कि सिर्फ कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस से आप बच्चे को मान लीजिए एक बच्चा है दो साल का आप उसको कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस करा रहे हैं हवाई जहाज चलाने की तो कैसे होगा भाई है ना कैसे होगा हवाई जहाज चलाने लग जाएगा दो साल का बच्चा अगर कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस कराओगे नहीं तो वो एज में क्वालिटी वाइज चेंजेस आएंगे हर एक स्टेज में ठीक है ट्वेंटी थर्ड ऑप्शन जो दूसरी अवस्था है लोग फंसते मतलब ही हैं इस क्वेश्चन में देखिएगा और इसमें कंफ्यूजन भी है मतलब निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है अब जिन्होंने ध्यान से ना तो पढ़ाया है ना पढ़ा है उनको समस्या आती है इस क्वेश्चन में ठीक सीमा नहीं है सीमा नहीं है मतलब लिमिटेशन नहीं है रुकावट नहीं है किस स्टेज की प्री ऑपरेशनल पूर्व संख्यात्मक दो से सात वर्ष की जो अवस्था होती है उसकी लिमिटेशन नहीं है लिमिटेशन नहीं है मतलब विशेषता होगी सिंपल बात है ना लिमिटेशन नहीं है दैट विशेषता होगी समझते हैं इसको क्या कहानी है फटाफट से बताइएगा देखिएगा अगर हम बात करते हैं यहां पे तो हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट बात तो सही लग रही है डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट भाई सिंबल से सीखना आ गया बच्चा पी एन पेन पढ़ लेता है ये तो अच्छी बात है ए फॉर एप्पल पता पता है सिंबल्स पता है सिंबल्स उसको लैंग्वेज समझ में आती है प्रतीक समझ में आते हैं ये सीमा थोड़ी हुई देखो गलत आंसर दिया एक भी व्यक्ति नहीं है जो सही आंसर दे रहा हो एक भी नहीं है सिर्फ सत्तर परसेंट लोगों ने तुक्का लगाया ये ऑप्शन जो कि सही है अब सारे कह देंगे अब यही है छत्तीस परसेंट लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन वो मतलब कहां जाऊं मैं कमाल कर दो यार

सेंट्रेशन यानी यानी केंद्रीकरण आप किसी भी चीज के एक ही पहलू पे ध्यान दे पाते हैं मतलब क्या हुआ अगर आप इस की हाइट देख रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ हाइट पे है आप, है आप टेंडेंसी आपके अंदर कॉन्सेंट्रेट करने की सिर्फ हाइट पे आप इसकी शेप नहीं देख पा रहे आप इसकी क्वांटिटी कितनी होगी वो नहीं देख पा रहे आप इसका कलर नहीं देख पा रहे आप सिर्फ इसकी हाइट पे फोकस्ड हैं इस बॉटल को किसी और चीज के लिए इसमें तेल भर के भी हम यूज कर सकते हैं ये डिसेंट्रेशन होगा सिर्फ पानी के लिए ही नहीं होती बॉटल तो ये सेंट्रेशन का गुण यहाँ पे लिमिटेशन है कि बच्चा बाकी यूजेज नहीं देख पाएगा एक ही चीज पे ध्यान केंद्रित है उसका तो ये गड़बड़ है ये जीवन में जो हम पढ़ते हैं उससे बिल्कुल अलग है हम समझते हैं ना टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट मतलब अच्छी बात है लेकिन यहां पे ये दो कॉन्सेप्ट है प्याजे के मैं लिख भी देती हूँ कोई बात नहीं आप सीख लीजिएगा सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन सेंट्रेशन एक गुण है मतलब गुण नहीं है ये तो लिमिटेशन है और डिसेंट्रेशन ये एक गुण है डिसेंट्रेशन ठीक सेंट्रेशन होता है सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे फोकस करना फोकस ऑन दी वन एस्पेक्ट ऑफ अ थिंग ओनली वन एस्पेक्ट यानी किसी भी चीज के एक ही पक्ष पे ध्यान दे पाना मतलब ये पेन है तो बस इसका कलर ही समझ में आ रहा है इसकी शेप साइज कुछ और नहीं फोकस कर पा रहे हैं डिसेंटर करना मतलब होता है लुकिंग एट समथिंग इन डिफरेंट वेज तो आप डिफरेंट वेज में किसी चीज को देख पा रहे हैं है ना डिफरेंट वेज में आप देख पा रहे हैं किसी चीज को है ना डिफरेंट डिफरेंट वेज में देख पा रहे हैं कि इस पेन का इस्तेमाल लोग अपना वन बन बनाने में भी कर सकते हैं ये डिसेंट्रेशन है और पेन का इस्तेमाल लिखने में भी हो सकता है और पेन का इस्तेमाल और भी सत्रह सौ चीजें घर में आपने देखा होगा होते हुए की जाती हैं है ना पेन का इस्तेमाल वो आजकल तो ये बहुत ही कॉमन है आपने भी किया होगा मैं भी करती हूँ कहीं कहीं पर जहां जरूरत पड़ती है वो आजकल वो होते ना बड़े स्टाइल वाले स्विच आते हैं स्विच बोर्ड वो उसमें आप प्लग लगा नहीं पाते हैं तब तक तो वो पेन का इस्तेमाल आप वहां उसको ऊपर करके भी यूज कर सकते हैं होटल्स में भी आपने किया होगा कभी तो ये डिसेंट्रेशन है कि आप डिफरेंट वेज में उस चीज को देख पा रहे हैं सेंट्रेशन आपका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पे केंद्रित है ढक्कन बंद है अभी दिमाग उतना डेवलप नहीं हुआ केंद्रीकरण कहते हैं तो इसको केंद्रीकरण नहीं विकेंद्रीकरण जरूरी है और जब तक डिसेंट्रेशन नहीं आएगा तब तक, तक बच्चा यह नहीं समझ पाता कि दो सौ पानी को अगर एक बॉटल में डाल दिया जाए तो दोनों की क्वांटिटी सेम रहेगी कंजर्वेशन नहीं आएगा जब तक सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा ठीक है जी तो यह थोड़ा डीप हो गया ए ऑप्शन इज द राइट आंसर क्योंकि सिंबॉलिक थॉट लिमिटेशन नहीं है बिल्कुल भी सिंबॉलिक थॉट तो एक विशेषता है एक क्षमता है कि वो सिंबल्स के थ्रू सीख सकता है ठीक चक्कर तो नहीं आए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है प्लेज अग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर दॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट है डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यानी कौन सी एक बात खेल से जुड़ी हुई नहीं है बताइए पुनीत बिल्कुल पहला ऑप्शन है इट stimulates their सेंस बच्चे के सेंसेज जो है वो उत्तेजित होते हैं जब वो खेलता है हाँ विकसित होंगे कि आपका ध्यान है कि बॉल कहां से आ रही है उसको कैच करना है तो आपके पूरे सेंसेस एक्टिव हो जाएंगे ठीक इट इज जस्ट अ प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम यानी समय बिताने के लिए करना है कुछ काम तो इसलिए खेल होता है नहीं ऐसा नहीं है कि समय बिताने के लिए सिर्फ कुछ काम करना है इसलिए खेल खेला जाएगा गलत है ये बात प्लेजेंट वे वो तो टीवी देख लो फिर और आजकल तो पता नहीं क्या क्या आ गया है ठीक है तो समय बिताने का सुखद तरीका है ऐसा नहीं है प्ले के बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं दे एक्वायर न्यू स्किल्स जब वो खेलते हैं तो वो कोऑपरेशन सीखते हैं वो टीम बिल्डिंग सीखते हैं

आज मेरा जिम जो है वो सेक्रीफाइस हो चुका है थोड़ा कल से नौ बजे से शुरू करेंगे ताकि दस बजे तक निपट जाए क्योंकि थर्टी क्वेश्चन में दो मिनट भी आप एक क्वेश्चन के लेंगे डिस्कशन होता है प्रॉपर एक घंटा लग जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली देखो आजकल क्रिटिकल थिंकिंग की ये ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल है किसवीं शताब्दी के कौशल है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए आपको आलोचनात्मक चिंतन आना चाहिए एक चीज पे पिछहत्तर तरह से सोचना आना चाहिए है ना फैक्ट ओपिनियन में अंतर करना आना चाहिए आप समझ पा रहे हो सत्रह का बी होगा किसी? अभी अभी जाएंगे वापस, में बता देना जिस जिसमें डाउट हो या कॉमेंट कर देना तो मैं वो कल भी डिस्कस कर दूंगी डोंट वरी ऑप्शन सेवन कह रहे हैं चलो देख लेते हैं क्रिटिकली सोचने के बारे में कौन सा क्वेश्चन बच्चे को अलग अलग दिशाओं में सोचने को कहेगा पहला ऑप्शन है व्हाट इज दी राइट आंसर अगर आपने पूछ लिया ये सही है कि वो सही है इसमें कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग है जस्ट मेमोरी लगाई उसने कहा ये इन दोनों में से ये सही है तो इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हुई कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं तो इसमें क्या है आपने एक सिचुएशन दे दी कि हम पहाड़ पे हैं आपने भी सोचे हाँ हम भी पहाड़ पे हैं एक और सिमिलर सिचुएशन देख लिया आपने व्हाट आर दी डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सोल्व दिस ये बात सही है कि इसमें बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग लगानी पड़ेगी आलोचनात्मक चिंतन लगाना पड़ेगा अलग अलग दृष्टि से सोचना पड़ेगा कि भाई और क्या तरीके हो सकते हैं किसी समस्या के समाधान के फिर है डू यू नो आंसर टू दिस अब इसमें तो ये और नो ही आएगा आंसर तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन पकड़ना है आपको मुक्त उत्तर वाला प्रश्न उसी से क्रिटिकल थिंकिंग आ सकती है उसी से क्रिएटिविटी भी आ सकती है जिसमें दिशाओं में सोचने को मजबूर हो बच्चा पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है कैसे ठीक करेंगे क्या ये सही तरीका है कि हम एक इंसान एक व्हीकल में जाए सत्तर क्वेश्चन इस तरह के आप बच्चे के दिमाग में डाल सकते हो तो वो सोचने पर मजबूर होगा जो क्वेश्चन हमें सोचने पर मजबूर करते हैं उनको हम क्रिटिकल थिंकिंग जगाने वाले क्वेश्चन कहेंगे तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर

पर्सनलाइज लर्निंग एबिलिटी ग्रुपिंग लेबलिंग स्टूडेंट्स बिल्कुल खराब है आप बच्चों पे ठप्पा नहीं लगा सकते एबिलिटी ग्रुपिंग भी अवॉइड करनी चाहिए प्रोजेक्ट एबिलिटी ग्रुपिंग क्या है? 90 परसेंट वाले बच्चों को एक साथ 33 वालों को एक साथ प्रोजेक्ट मेथड एबिलिटी ग्रुपिंग और रैंकिंग ये रैंकिंग गड़बड़ हो गई बाकी बातें सही थी ये भी गलत था खेर प्रोजेक्ट मेथड अच्छा है यहाँ बच्चे ग्रुप्स में सीखते हैं इवन प्रोजेक्ट मैथड प्रोग्रेसिव एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ है जो जॉन डु के ही एक शिष्य थे उनका नाम था डब्ल्यू एच किल विलियम हियर किलपैट्रिक जिन्होंने प्रोजेक्ट मैथड दिया है जहां पे बच्चे ग्रुप में एक्टिवली सीखते हैं तो learning by doing की बात करते हैं करके सीखने की प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है और pragmatism से जुड़ा हुआ हुआ है है और से से ही के भी मतलब एक तरह से प्रोमोटर कहा जाता है जॉन डुई कोऑपरेटिव लर्निंग बच्चे ग्रुप्स में सीख रहे हैं सहयोग करके सीख रहे हैं एक्टिवली सीख रहे हैं तो डी ऑप्शन right आगे बढ़ेंगे देखिएगा क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर कहेगा, यानी प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि शिक्षा स्वयं में ही जीवन है मतलब जब आप शिक्षा ले रहे हैं, तो मतलब आप जीवन सीख रहे हैं ये लाइफ इट सेल्फ इसका मतलब क्या है आपको कितना याद रहता है मैं रट्टे थोड़ी लगाती हूँ यार <laughs> याद रहता है समझा हुआ है और बहुत सारी चीजें तो एट द मोमेंट आती हैं वो प्रेजेंस ऑफ माइंड कह लो उसको है ना अपनी तारीफ याद तो इवन आजकल मेरा रह, मेरे को रहता नहीं है मेरी मेमोरी थोड़ी डिस्टर्ब हुई है पिछले एक डेढ़ साल दो ढाई साल में <coughs> याद रहने वाली चीजें तो आजकल याद ही नहीं रहती हैं देखिए थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी वो <coughs> होता है मॉक टेस्ट नहीं आ रहे हैं ओपन नहीं हो रहा है प्रिया चौधरी कह रही है और गुस्से से कह रही है कराएंगे इसका प्रावधान आर बी ऑप्शन कह रहे हैं कितने फिफ्टी लोग चलिए समझते हैं मजा आ रहा है चलिए मजा ही आना चाहिए बस एजुकेशन इज लाइफ इट इस पहला ऑप्शन है स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियस इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल बंद कर दो क्योंकि एजुकेशन तो लाइफ है है ना इट वाली बात नहीं है एजुकेशन इन स्कूल्स शुड रिफ्लेक्ट दी सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड यानी स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित बिंबित करे यानी वो दर्शाए जो असली जीवन में हो रहा है जब आप शिक्षा ले रहे हैं तो आप जीवन सीख रहे हैं वो रियल लाइफ लर्निंग होनी चाहिए ये बात सही लग रही है लाइफ इज दी ट्रू एजुकेटर ऐसा नहीं है यहाँ ये वाली बात नहीं है कि लाइफ इज ट्रू एजुकेटर तो क्या स्कूल में ना भेजें फिर एजुकेशन ना दिलाएं हैं है? जीवन से सीख लेगा वो नहीं है बात क्या कह रहे हो शौर्य सिंह कह रहे हैं ठीक है है ऐसा ही करो डी ऑप्शन स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल ये भी नहीं है इसका सिंपल मतलब है कि स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है ना वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का प्रतिबिंब हो उसका रिफ्लेक्शन हो रियल लाइफ हो जिसको वो स्कूल में सीखे ऐसा नहीं किताबी ज्ञान अलग है और बाहर की दुनिया अलग है बिल्कुल आगे बढ़ेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग्स थी यानी निम्नलिखित में से किसे कोहलबर्ग के सिद्धांत का योगदान माना जा सकता है तो आसान क्वेश्चन है फटाफट से बताइएगा कि किसको आप कोहलबर्ग के सिद्धांत का कॉन्ट्रीब्यूशन मानेंगे फटाफट से बताइए जल्दी से जवाब दीजिए दो क्वेश्चन और हैं फिर हम आज के लिए इतना ही रखेंगे किसका आंसर सी है

मतलब कोहलबा की थियरी हिज थियरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉगनेटिव मेच्योरिटी एंड मॉरल मेच्योरिटी बात तो ठीक है द हैज इलेबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर्स ऐसा नहीं है अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल रीजनिंग एंड एक्शन हिज इज दैट चिल्ड्रन आर मॉरल फिलोसफर्स जी नहीं अब इसमें बी भी ठीक लग रहा होगा डी भी ठीक लग रहा है और दोनों ठीक भी है अगर देखा जाए अपनी जगह पे लेकिन अगर हम बात करें कोहलबा के कंट्रीब्यूशन की कोहलबाग की थियरी बेस्ड थी प्याजे की थियरी पे और प्याजे कहते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी और कोलबा की थियरी में भी यही है एज के अनुसार लेवल्स हैं तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी कॉग्नेटिव मेच्योरिटी बढ़ेगी आपके संज्ञान की परिपक्वता बढ़ेगी और परिपक्वता बढ़ेगी तो आपकी रीजनिंग वैसी ही होगी एज के हिसाब से रीजनिंग चेंज हो जाती है ना एक 16 साल का बच्चा जब प्यार प्यार चिल्ला रहा है और वो भागने को तैयार है तो उसका तर्क कुछ और है कि मैं तो प्यार में कुछ भी कर जाऊं और वही छब्बीस का हो जाएगा अगर तो उसका तर्क कुछ और होगा तो आपकी जो मॉरल रीजनिंग है उसके बेसिस पे मॉरल डिसीजन लिए जाते हैं लेकिन वो मॉरल रीजनिंग कहां से चेंज होती है कॉग्नेटिव मेच्योरिटी से एज से

ये वाला जो ऑप्शन है ये इसमें इंक्लूड हो गया है अपने आप में क्योंकि के अनुसार रीजनिंग आएगी ठीक को, है, है भाई चांस, तो मैं कल एक बार आंसर की देख लेंगे क्योंकि तो पेडोलॉजी है मॉरल रीजनिंग की जब हम बात कर रहे हैं कोलबर्ग कह रहे हैं बच्चे का जो तर्क होगा मॉरल रीजनिंग और एक होता है मॉरल डिसीजन मेकिंग या डिसीजन मेकिंग आपका निर्णय लेना निर्णय लेना किस पे आधारित होगा जैसी आपकी रीजनिंग होगी एक व्यक्ति एक चोर भी अगर चोरी करेगा तो उसकी भी कोई अपनी रीजनिंग होगी कि दुनिया तो देखो गरीबों को कितना लूट रही है हमने चोरी कर ली तो कौन सी बड़ी बात है ना तो ये क्या हुआ मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गरीबी चोरी कर रहा है कोई भी अपनी मर्जी से तर्क लगा सकता है ठीक तो मॉरल रीजनिंग यानी तर्क जो तर्क है आपका वो निर्धारित करेगा कि आपका डिसीजन यानी आपका निर्णय क्या होगा ठीक है तो ये जो मॉरल रीजनिंग है इस पे बेस्ड होती है डिसीजन मेकिंग सौ प्रतिशत सही बात है लेकिन ये रीजनिंग भी तो किसी पे बेस्ड है ये बेस्ड है पे आपकी के हिसाब से तर्क भी तो अलग होगा है ना अगर नहीं है तो आप फिर छोटे बच्चे हैं छोटी बच्ची हैं ठीक भाई आपकी समझ चार साल पहले कैसी थी वो तर्क आपके आज थोड़ी काम कर जाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ये बात सही है कि रीजनिंग से तर्क लिया, वो लिया जाएगा डिसीजन अब वाइबॉस की बात हो रही है लास्ट क्वेश्चन है ये एक्चुअली वो थर्ड लास्ट था जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेड पी डी दूरस्थ विकास या निकटवर्ती विकास का या संभावित विकास का क्षेत्र जहां संभावना है विकास की उसके बारे में बात हो रही है पहला ऑप्शन है द डेवलपमेंटल फेज मैन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं है यहाँ पे हेल्प की जरूरत होती है आप कॉन्टेक्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट बात तो सही है अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो वो कर लेते हैं पॉइंट इन लर्निंग वेन सपोर्ट कैन बी विद्रॉन ऐसा नहीं है कि अब हम हटा सकते हैं सपोर्ट यहां पर डेवलपमेंट इज पॉसिबल वह चरण जहां उच्चतम विकास संभव है एक संदर्भ जिसमें बच्चे सहयोग के सही, सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं कॉन्टेक्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देअर ओन विद राइट लेवल ऑफ सपोर्ट बी ऑप्शन ज्यादा सुंदर लग रहा है देखने में बट डी भी गलत नहीं कह सकते फेज वन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल बी ही के साथ ही हम जाएंगे ये हमें थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है ठीक है आगे बढ़ेंगे रीज़न ये है कि डेवलपमेंट यहां संभावना है कि अगर थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो वो खुद से कर देंगे इस पर अभी भी स्टार मार्क करके रखना क्योंकि गलत तो ये भी नहीं है ऐसा पेडोलॉजी में होता है इसलिए आंसर की देख लेनी चाहिए ठीक ये वाला क्वेश्चन ट्वेंटी और जो हम अभी कर रहे थे

जो लोग तैयारी कर रहे हैं अभी कहानी जस्ट शुरू हुई है अभी तो बहुत कुछ है आपको जो सी के लिए आपके सामने आना बाकी है ठीक है और बहुत तरीके से सीखेंगे ऐसा कोई वो सब नहीं करेंगे पता नहीं क्या है भुआ नहीं बनाएंगे आसानी से तसली से एक सेशन आएगा आपके दिन में और वो आपके लिए इनफ होगा है ना ये टेलीग्राम चैनल पे, पे पीडीएफ मिल जाएगी ये मॉक टेस्ट की फॉर्म में भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे करियर ऐप पे मैं ये पीडीएफ उनको भी प्रोवाइड करा दूंगी आउट ऑफ थर्टी कितने क्वेश्चंस ठीक हुए कहीं डाउट है तो वो भी पूछ लीजिए ताकि अब हम डिस्कशन कर सकते हैं किसी को फिफ्थ क्वेश्चन में डाउट था आई थिंक आउट ऑफ थर्टी कितने ठीक हुए हुआ कॉमेंट करके आप बता दीजिएगा सेशन अगर आपको कहीं भी कुछ भी अगर बाद में भी सेशन में आपको कहीं डाउट हो कुछ लगे तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं है ना क्वेश्चन नंबर का आंसर नॉट पूछा था अंकिता कह रही मैं एक बार चेक कर लेती हूँ अंकिता अभी वही मैं याद करने की कोशिश कर रही थी क्वेश्चन नंबर फाइव में कुछ और पूछा था मुझे बहुत दुख है कि आज मैं एक्सरसाइज पे नहीं जा पाई हूँ बट दैट्स ओके क्या ही कर सकते हैं चलो क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं फटाफट से आउट ऑफ ट्वेंटी एट ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी थ्री चलिए बहुत बढ़िया ये नाइन ओ क्लॉक रखेंगे हम कल से सेशन नौ बजे कल से हम नौ बजे मिलेंगे अच्छा कल तो सैटरडे है कल तो छुट्टी कल <laughs> एक इंटरव्यू की वीडियो मिल जाएगी आपको ये प्रीवियस ईयर फिर अब हम मंडे से करेंगे समय है अपने पास डोंट वरी वो मेरे पे छोड़ दो आप सारी चीजें जाएंगी पोल मत देना इसमें अभी हम इस पर बात करेंगे देखिए ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था शायद हम पढ़ नहीं पाए देखिएगा समझते हैं क्वेश्चन नंबर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हां नॉट रिलेटेड और मैंने शायद वो नॉट नहीं पढ़ा है आपको मैं आपको ज्ञान देती हूं मैं खुद ही बोल गई ठीक है कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है नॉट रिलेटेड टू इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये बात बिल्कुल सही है और मैंने शायद यही उत्तर बता दिया था क्योंकि नॉट मेरे दिमाग से निकल गया था बिल्कुल सही है आप लोग इस बात में तो ये आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये सही है इट फोकसेज ऑन चाइल्ड अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज बिल्कुल सही बात है इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन ये गड़बड़ है तो इसलिए आंसर सी ही होगा है ना पोल दे दो सेटिस्फेक्शन आ जाएगा थोड़ा पोल में आंसर करके इट हैज बीन मैंडेटेड द राइट टू एजुकेशन एक्ट बात ये भी सही थी तभी वो मुझे में लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है और हमें बेस्ट चूज करना होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट कह रहा है कि हाँ ठीक है होलिस्टिक की बात तो हर कोई कर रहा है अगर देखा जाए तो ठीक है जी तो होपफुली बी ऑप्शन था बाकी किसी आंसर में मुझे नहीं लगता कोई भी कंफ्यूजन आपको रहेगी फिर भी वो जो दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन जो स्टार मार्क कराया ट्वेंटी है आई थिंक तो वो मैं एक बार आंसर की एक बार फाइनल देखनी पड़ेगी तो, मतलब वो भी आंसर वही है जो डिस्कस कर लिया लेकिन अगर पॉइंट वन परसेंट का भी चांस है तो क्यों हम रिस्क लेंगे है ना? <coughs> 89 लोग सी कह रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया पेपर टू का कल होगा सेशन इसको बिल्कुल भी ऐसे मत लेना कि पेपर वन की अलग क्लास है पेपर टू की अलग क्लास है सीडीपी लिख के ले लो कहीं भी सेम लेवल क्वेश्चन आते हैं कई बार पेपर टू इजी लगेगा कई बार पेपर वन टफ लगेगा कई बार पेपर वन टफ इजी लगेगा और पेपर टू टफ लगेगा तो सिलेबस वही है सेम पूल ऑफ क्वेश्चन में से उठा के डाले जाते हैं क्योंकि सिलेबस बिल्कुल डिट्टो सेम है चाहे पेपर वन हो पेपर टू हो बाल विकास की अगर हम बात कर रहे हैं तो ठीक है ना चलिए आज के लिए इतना ही कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए कैसा आपको सेशन लगा ये आप कॉमेंट में बताइएगा कल हम छुट्टी रखेंगे लाइव क्लास आपकी नहीं होगी मंडे से नौ बजे होगी संडे को हम संडे वार्ता में मिलेंगे और कल नौ बजे मैं कोशिश करूंगी एक इंटरव्यू हुआ है वो आपको मिल जाए मतलब वो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा टेक केयर बाय बाय संडे वार्ता में मिलेंगे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस पूछते हुए इतने आप ये करिए और ऐसे ही अब हम नेक्स्ट सेशंस में 30 30 के सेट को निपटाते चले